नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। झांसी के रक्षा पुलिस की तरफ से अपराधियों को पकड़ने के लिए लगातार जाल बिछाया जा रहा है। बुधवार की देर रात थाना इंचार्ज अमित गंगावर अपने साथी दिनेश कुमार तोमर और सिपाहियों के साथ गश्त पर थे। सूचना मिली कि लखपत पुत्र गोसाई जबर सिंह और योगेश बड़ी वारदात का प्लान कर रहे हैं। इन तीनों के खिलाफ वर्ष 2020 में अपराध संख्या 227 के अंतर्गत 2-3 के तहत की कार्यवाही की थी। इसके बाद से उनकी तलाश की जा रही थी। गौरतलब है कि झांसी SSP दिनेश कुमार पी और SP सिटी लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही अमल में आ रहे हैं। SP सिटी ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। वर्ष 2018 में एक व्यक्ति संजीव यादव की हत्या ग्राम सिमरा थाना रक्षा में कर दी गई थी, जिसमें 14 लोग शामिल थे। उसको बहुत बुरी तरह से पीट पीट कर मारा गया था और उसकी लाश को पूरे गांव में घुमाया गया था। ये एक जघन्य अपराध था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी महोदय द्वारा ऐसे अपराधियों के खिलाफ जिन्होंने जघन्य अपराध कारित किए हैं, गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हेतु निर्देशित किया था। इस क्रम में 2020 में इन्हीं 14 व्यक्तियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई, जिसमें 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके पूर्व में जेल भेजा गया था। कल क्षेत्राधिकारी सदर और इंस्पेक्टर रक्षा के नेतृत्व में टीमों ने 3 व्यक्तियों को लखपत, जबर सिंह और योगेश, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उस जघन्य अपराध में शामिल होने के कारण इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा रही है, जिससे जो पार्टीबंदी में रंजिश है, प्रधानी की रंजिश है, उसमें प्रभावी रूप से नियंत्रण किया जा सके।